15वें वित्त आयोग की राशि से संचालित ग्रामीण विकास की योजनाओं को लेकर उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में 15वें वित्त आयोग की पंचायत स्तरीय योजनाओं को जिला स्तरीय अनुमोदन के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों पर बेहतर अमल के लिए विचार विमर्श किया गया। DDC ने बताया कि ग्राम पंचायतों में पेयजल पूर्ति समेत मनरेगा संबंधी कार्यों में तेजी लाई जाएगी। बैठक में उपस्थित जिला परिषद सदस्यों ने प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों और ग्रामीण विकास से संबंधित विभाग के पदाधिकारियों पर जनप्रतिनिधियों की अवहेलना करने की बात कही। साथ ही शौचालय निर्माण, पेयजल पूर्ति समेत अन्य विकास कार्यों में ढिलाई बरतने का भी आरोप लगाया है। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि ग्रामीण इलाके में बने अस्पतालों में डॉक्टर नर्स के नहीं होने से ग्रामीणों को प्रखंड स्तरीय अस्पताल या सदर अस्पताल जाना पड़ता है। इससे स्थानीय ग्रामीणों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। अड़की प्रखंड क्षेत्र के जिला परिषद सदस्यों ने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्य अधूरे हैं। जिले के लगभग सभी प्रखंड क्षेत्र की समस्या एक जैसी हैं। जिला परिषद अध्यक्ष ने बताया कि तोरपा इलाके में शौचालय बने ही नहीं, जबकि कागजों में उसे पूर्ण कर दिया गया है। इधर जिले के DDC ने कहा कि समस्याओं का समाधान करवाया जाएगा और अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर क्षेत्र का विकास होगा। 15वें वित्त आयोग की राशि से संचालित योजनाओं में पेयजल पूर्ति योजना को प्राथमिकता के आधार पर PHED विभाग के सहयोग से पूर्ण किया जाएगा। खराब चापानलों की मरम्मति और नए चापानलों की खुदाई कर घर घर नल जल योजना को धरातल पर उतारा जाएगा। पैसा की खर्च हुई नहीं है। और जो इस समय हम लोग का चुनाव थे 2015-16 में, उस समय जो हम लोग का 13वें वित्त का जो फंड था वो पैसा भी आज तक पड़ा हुआ है। पिछला जो हम लोग का योजना चल रहा था उस योजना का फाइनल पेमेंट भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया। जो भी पदाधिकारी आते हैं, चाहे IAS आते हैं, चाहे PS आते हैं, चाहे BDO के लिए जो है, जो भी आते हैं, सब यहाँ ट्रेनिंग सेंटर बना दिया गया। इस कारण से हमारा खूंटी प्रखंड खासकर यहाँ कुछ भी काम सही से नहीं हो रहा है। सदर कहते हैं, लेकिन सदर का कोई मतलब ही नहीं है। बाकी सारा लोग काम करके ख़त्म कर चुका है, लेकिन हमारा खूंटी प्रखंड के BDO जो अभी ट्रेनिंग में आई हुई है, तीन तीन चार्ज में है, CDPO हैं, आपूर्ति भी है उनका चार्ज में, फिर BDO का चार्ज में भी है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा सही। कोचांग में पंचायत सेवक नहीं रहते हैं, एक दिन भी नहीं बैठते हैं वहाँ। इस तरह का शिकायत सब आते रहती है। और जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा तो शिकायत आती है, जैसे पानी के बारे में, चापाकल नल एक महीना से खराब है। वहाँ PHD विभाग को हम कई बार फोन किए, आज मिस्त्री भेज रहे हैं, इसी तरह का बोलता है। और वहाँ मिस्त्री को भी नहीं भेजा गया और अभी तक बना भी नहीं। इस तरह का बहुत से समस्या है। और पदाधिकारियों से यही कहना चाहती हूँ कि जहाँ भी हम लोग का फोन जाता है रिसीव करे, और जितने भी खूंटी जिले में जनप्रतिनिधि हैं उन लोग का बातों को सुने, ताकि हम लोग जनताओं का सेवा कर सके। हम लोग जनताओं को सेवा करने के लिए ही हम लोग बने हुए हैं, तो हम लोग जनता का सेवा करते रहूंगी आगे भी। कैसे क्रियान्वयन किया जाए पंचायत स्तर पे, इसको लेकर बैठक की गई थी। खास करके जो प्रखंड स्तर से जो 15वें वित्त आयोग की योजनाएं आई है, उनको जो है ना जिला स्तर से अनुमोदन देना था, उसको अनुमोदन। अभी तो जो है ना पेयजल की समस्या को लेकर सारे लोगों ने जो है ना प्रश्न उठाए सभी प्रखंडों में। खास करके जो है ना चापानल खराब होने की बात आ रही है, इसको लेकर जो है ना ये कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा आश्वासन दिया गया है कि सभी चापानलों को ठीक कर दिया जाएगा। पेयजल की समस्या के समाधान के लिए विभाग तैयार है, इसका आश्वासन दिया गया। DFO साहब बैठक में ऑनलाइन मीटिंग नहीं शामिल हो पाए थे, हम लोग इसको जो है ना बैठक उनसे बात करके इसको समाधान किया। ये समस्या है कि जो है ना जहाँ तक एक बातचीत के क्रम में पता चला, योजनाओं की समीक्षा तो जो अभी जो ये समिति है, इसका जो है ना मेन उद्देश्य इसको जो है ना विस्तार देने का,
15वें वित्त आयोग को जो है ना ये मनरेगा योजना के लिए है, तो ये एक्चुअल इसीलिए दूसरे योजनाओं की समीक्षा के लिए वीडियो लोग मना कर जा में डुबल है किसान जानत रहे हर इंसान बंद रहे हर जवान चुप रहे हर इंसान कृषि मंत्री राह दिखा ले 50,000 कर कर जा एक रुपया में माफ करा ली।